नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। अग्निपथ के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया गया, जिसे लेकर आगरा रेल डिवीजन में हाई अलर्ट जारी रहा। आगरा के एक दर्जन से ज्यादा सभी स्टेशनों पर विशेष निगरानी रखी जा रही थी। इसी के साथ ही देहात के बीच स्टेशनों पर RPF और GRPF के साथ साथ सिविल पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आई। अलीगढ़ के थाना खैर इलाके में पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर के साथ फ्लैग मार्च निकाला। ये फ्लैग मार्च दंगाई और बवाल करने वाले लोगों को मैसेज देने के लिए निकाला गया। जिस तरह से टपल इलाके में दो दिन पहले अग्निवीर योजना के विरोध में युवाओं ने टपल इलाके में हिंसक विरोध प्रदर्शन किया था, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज SP ग्रामीण प्राग बंसल के नेतृत्व में खैर इलाके में बुलडोजर मार्च निकाला गया। बुलंदशहर कलेक्ट्रेट में समस्त विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों के पेंशन देने से संबंधित समस्याओं के समाधान करने के उद्देश्य से महीने के 3 सोमवार को पेंशनर्स दिवस का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में पेंशनर्स दिवस का आयोजन किया गया। पेंशनर्स दिवस में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों ने अपने पेंशन और अन्य देयकों के भुगतान लंबित होने के संबंध में निस्तारण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इस मौके पर DDO श्री सुभाष नीमा, डिप्टी कलेक्टर सुश्री मधुमिता सिंह उपस्थित रहीं। भारत बंद को लेकर कन्नौज में प्रशासन अलर्ट दिखाई दिया। DMSP ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर निरीक्षण किया। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, RPF GRPF के अलावा स्थानीय पुलिस भी तैनात की गई और आने वाली ट्रेनों पर लगातार नजर बनी रही। जनपद कन्नौज में हाल फिलहाल जो डिस्टरबेंस हुआ है उसको देखते हुए पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है और किसी भी दिशा में आम जनजीवन को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर रेलवे स्टेशन हो चाहे बस स्टेशन हो, सभी जगह पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के बंदोबस्त किया गया है और आम जनजीवन सुचारू रूप से चल रहा है। किसी भी तरीके से जो लोग जनजीवन को अस्त व्यस्त करने का प्रयास करेंगे उनके विरुद्ध सख्ती से निपटा जाएगा। अग्निपथ योजना के बाद जब से युवाओं में वाल आया है और जगह जगह आगजनी और प्रदर्शन शुरू किया है, उसके बाद अब राजनीतिक और गैर राजनीतिक दल भी सक्रिय हो चुके हैं। भारतीय किसान यूनियन की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष रश्मि चौधरी ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि युवाओं के लिए अग्निपथ योजना लागू कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं को छलने का काम किया है। उन्हें युवाओं को समझना चाहिए और अपनी योजना में संशोधन करने का काम भी करना चाहिए। घटनाएं हो रही हैं जगह जगह पे, मतलब कि लोग जो हैं उपद्रव करने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो सर इस पे मतलब कि लोगों को भली भांति इस बात को बताना चाहिए और समझाना चाहिए। जब तक जनता को समझ नहीं आएगा कि आप जो योजना चला रहे हैं उससे हमारे युवाओं को कितना फ़ायदा होगा, तो आप ये बताइए कि तब तक इस योजना को लोग तो अन्यथा ले रहे हैं। युवा जो है वो ये सोच रहा है कि भी हम लोगों का तो जीवन जो है नरक में जा रहा है, हम लोग इतने पढ़े लिखे लोग हैं और हम इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, हमें ये रोज़गार नहीं मिल रहा है और ये योजना चला के हमारे रोज़गार को छीना जा रहा है। रुड़की की सिविल लाइन में स्थित एक ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम का पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उद्घाटन किया। उनके साथ इस मौके पर रुड़की के भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा और कई अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। सहारनपुर में विश्व रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य लघु उद्योग भारती सहित विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं की ओर से भव्य रक्तदान शिविर को आयोजन खेमा सेवा सदन में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में RSS के विभाग संचालक राकेश वीर जी और अन्य अतिथियों ने रक्तदान शिविर करने पर आयोजक संस्थाओं के पदाधिकारियों के कार्यों की सराहना की है। रक्तदान शिविर में लोगों ने पहुंचकर रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में सेवा भारती, लघु उद्योग भारती सहित विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं के पदाधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे।
फतेहपुर सीकरी स्मारक में योग दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह, उप जिला अधिकारी, तहसीलदार, क्षेत्राधिकारी अश्नेरा और प्रशिक्षु आईपीएस ने तैयारियों का जायजा लिया। सीकरी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। मुख्य अतिथि केंद्र मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी होंगे। यहाँ फतेहपुर सीकरी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एक जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है उसको डिक्लेयर किया है। इसके साथ ही हमारा आगरा फोर्ट, जो हमारा स्टेडियम है एतमादौला और अलग स्थानों पे योगा दिवस कल कार्यक्रम होगा, तैयारियां सब पूरी कर ली है। यहाँ पर चूँकि भारत सरकार ने यहाँ स्पॉन्सर किया हुआ, उनकी टीम आई हुई है, यहाँ सबसे अच्छी व्यवस्था है। कल मॉर्निंग में है और सारी व्यवस्था ट्रैफिक की, इसके प्रसारण की लोगों को करने के लिए व्यवस्था कर ली गई है। अलग से नोडल लगा लिए गए। आज उनकी ब्रीफिंग हो रही थी, अभी शाम को जब ये लोग देख लेंगे फिर डिब्रीफिंग होगी और कल कार्यक्रम अच्छे से करेंगे। कितने लोगों की व्यवस्था की? फतेहपुर सीकरी में लगभग 5,000 लोग रहेंगे। इसके अलावा एक और वेन्यू हमारा स्टेडियम है, वहाँ पे 5,000 लोग रहेंगे। आगरा फोर्ट हमने 2,000 के आसपास व्यवस्था की है और बाकी अलग अलग, जैसे मैंने कहा 695 हमारी जो ग्राम पंचायतें हैं वहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप में लोग कल योग करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को गोपेश्वर में नव निर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा पासवान के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान ऋणी आपदा में बिगड़ हुए वृद्धा मौल देवी को नए घर की चाबी सौंपी है। सेम ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि गोपेश्वर पालिका में 25 साल बाद भाजपा की वापसी हुई। यहाँ पहले डबल इंजन की सरकार थी और अब 3 इंजन की सरकार गोपेश्वर पालिका को आदर्श पालिका के रूप में विकसित करेगी। देवरिया जिले में जमीनी विवाद को लेकर किन्नरों के 2 गुटों में जमकर हंगामा हुआ, जिसके चलते कुछ देर के लिए पुलिस सख्ती में आ गई। बताया जा रहा है कि किन्नरों में जमीन को लेकर आपस में विवाद चल रहा था, उसी को लेकर किन्नरों के 2 गुटों को सदर कोतवाली में बुलाया गया, जहां पर दोनों गुटों के किन्नर एक दूसरे को देख लेने की धमकी देने लगे। इन दिनों केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर जिस तरह विरोध प्रदर्शन और आगजनी के अलावा जमकर बवाल मचा हुआ है, तो वहीं खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश की बड़ी घटनाओं के मद्देनजर इसका सबसे ज्यादा असर भारतीय रेलवे पर पड़ा है। यानी कि 700 करोड़ रुपए के भारी भरकम नुकसान को झेलने के बाद रेलवे ने इसकी पुनर्वृत्ति पर अंकुश स्थापित करने के लिए कई रेलगाड़ियों को निरस्त भी कर दिया है। इतना ही नहीं बल्कि रेलवे स्टेशनों पर जीआरपी और आरपीएफ की मुस्तैदी में तैनाती और गश्त बढ़ा दी गई है। वहीं हरिद्वार जनपद और रेलवे के मुरादाबाद डिवीजन के अंतर्गत आने वाले लक्सर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर इसका खास असर देखने को मिला, जहां रेलगाड़ियों के निस्तरीकरण के चलते सुनसान नजारा देखा गया। हालांकि अभी तक लक्सर किसी भी घटना का शिकार नहीं हुआ है, मगर फिर भी उप जिलाधिकारी के मुताबिक क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के अलावा लोकल इंटेलिजेंस यूनिट और अधिकतर पुलिस बल की खासी तैनाती है। मुख्य बाजार में महिला सशक्तिकरण का असर दिखा है। युवतियों से अश्लीलता करने वाले मंचरों की जमकर पिटाई की गई है। पिटाई का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। ललितपुर सदर कोतवाली क्षेत्र का ये सारा मामला बताया जा रहा है। अग्निपथ को लेकर देश में चल रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर अब हरदोई में किसान यूनियन भी अग्निपथ के विरोध में सामने आई है। किसान यूनियन ने कलेक्ट्रेट में एक दिवसीय धरना दिया और कहा कि सरकार इस योजना को वापस ले वरना गांव से सड़क तक आंदोलन होगा। वहीं धरने के बाद राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा गया है। सरोवर नगरी नैनीताल में 21 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय वायुयोग दिवस को सफल बनाए जाने को लेकर जिला आयुर्वेदिक और यूनानी के तत्वावधान में तलिताल से मलिताल फ्लैट्स मैदान तक रन फॉर योगा का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूली छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग लिया। रन फॉर योगा को अपर जिलाधिकारी शिवचंद द्विवेदी ने हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी, तहसीलदार नवाजिश खलील समेत कई अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। दबंगों ने घर में घुसकर महिलाओं को लाठी डंडों से जमकर पीटा है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जमीनी विवाद में मारपीट हुई है, जिसमें 4 महिलाएं घायल हो गई। खिरो थाना क्षेत्र के हमीरपुर मृदिहा गांव की घटना बताई जा रही है।
अग्निपथ के विरोध में भारत बंद का संबंध में कोई असर नहीं देखने को मिला। अलबत्ता रेलवे स्टेशन से पुलिस ने 41 छात्रों को पकड़ा है। छात्र ट्रेन से अपने घर जाने की बात कह रहे थे। तमाम छात्र सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं छात्रों की मौजूदगी की सूचना के बाद डीएम, एसडीएम और एसएसपी भी मौके पर पहुंचे। विरोध करने वालों के खिलाफ एसडीएम ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।